फाइल संख्या 20 सी, अध्याय 20, एमएस एक्सेल का शेष भाग। फंक्शन के भाग, पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के दो भाग होते हैं, फंक्शन नाम यानी फंक्शन नेम तथा आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट्स। फंक्शन नाम एक्सेल का कोई विशेष शब्द होता है जिससे फंक्शन को पहचाना जाता है, और आर्गुमेंट या तो मान या किसी सेल अथवा रेंज के संदर्भ होते हैं। किसी फंक्शन में आवश्यक आर्गुमेंटों की संख्या उसके व्याकरण यानी सिंटैक्स के अनुसार शून्य से लेकर कितनी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए SQRT कोष्ठक आरंभ 16 कोष्ठक समाप्त में SQRT एक फंक्शन का नाम है और जिसका मान कोष्ठक आरंभ या धनात्मक संख्या कोष्ठक समाप्त का वर्गमूल ये निकलता है, अर्थात 16 इसका आर्गुमेंट है। आर्गुमेंटों को कॉमा से अलग अलग करके कोष्ठक में रखा जाता है, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में किया गया है। उदाहरण के लिए फंक्शन SQRT में केवल एक आर्गुमेंट होता है, जबकि फंक्शन SUM में आर्गुमेंटों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ध्यान दीजिए कि फंक्शन के नाम और उसके आर्गुमेंटों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। वास्तव में किसी भी फॉर्मूले में खाली स्थान की अनुमति नहीं है। हालांकि फंक्शन के नाम और आर्गुमेंटों को छापे के बड़े अक्षरों में लिखना आवश्यक नहीं है। आप उन्हें कैसे भी अक्षरों में टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल उन्हें अपने कैपिटल अक्षरों में बदल देता है। फंक्शनों की श्रेणियां, फंक्शन कैटेगरीज। एक्सेल में वर्कशीट फंक्शनों की संख्या अधिक होने के कारण सुविधा के लिए उन्हें निम्नलिखित 9 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. डाटाबेस। 2. तारीख तथा समय यानी डेट एंड टाइम। 3. वित्तीय फाइनेंशियल। 4. सूचना इंफॉर्मेशन। 5. तार्किक लॉजिकल। 6. संदर्भ लुकअप एंड रेफरेंस। 7. गणित तथा त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। 8. सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिकल। 9. पाठ्य यानी टेक्स्ट। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में बड़ी संख्या में उपयोगी फंक्शन उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनों के नाम और संक्षिप्त परिचय नीचे दिए गए हैं। तारीख तथा समय फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट दिन की संख्या, डे किसी तारीख का दिन, मंथ किसी तारीख में माह, नाउ वर्तमान समय, टुडे आज की तारीख, वीकडे किसी तारीख का दिन या वार, ईयर किसी तारीख में वर्ष। गणितीय फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस। ABS किसी संख्या का निरपेक्ष मान, EXP एक्सपोनेंशियल, FACT किसी संख्या का फैक्टोरियल, INT किसी संख्या का पूर्णांक भाग, LN प्राकृतिक लघुगणक आधार E, LOG यानी log दिए हुए आधार का लघुगणक, log 10 आधार 10 पर लघुगणक, MOD यानी मोड किसी भाग का शेषफल यानी रिमाइंडर, पाई का मान 3.14159265358979, पावर किसी संख्या का घात यानी एक्सपोनेंट, RAND यानी रैंड शून्य से एक के बीच की यदृच्छ संख्या यानी रैंडम नंबर, राउंड दिए हुए दशमलव अंकों का निकटतम मान, SQRT किसी धन संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, SUM यानी सम दी हुई संख्याओं का योग। सांख्यिकीय फंक्शन, स्टेटिस्टिकल फंक्शंस। एवरेज दी हुई संख्याओं का औसत, मैक्स सबसे बड़ी संख्या, मिन सबसे छोटी संख्या, STDEV मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन, VAR प्रसरण यानी वेरिएंस। पाठ्य फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस। CHAR किसी दिए हुए कोड का वर्ण यानी कैरेक्टर,
कोड यानी CODE किसी वर्ण का कोड। EXACT दो पाठ्यों की तुलना करना। LEFT लेफ्ट किसी पाठ्य का बायां भाग। LEN किसी पाठ्य में वर्णों की संख्या या पाठ्य की लंबाई। LOWER यानी लोअर किसी पाठ्य को छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स में बदलना। मिड MID किसी पाठ्य का बीच का भाग। राइट RIGHT किसी पाठ्य का दायां भाग। TRIM ट्रिम पाठ्य तथा अंत के सभी खाली स्थान यानी स्पेसेस समाप्त करना। टेक्स्ट TEXT दी हुई संख्या का पाठ्य बनाना। अपर UPPER किसी पाठ्य को बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर्स में बदलना। वैल्यू VALUE किसी संख्या वाले पाठ्य का संख्यात्मक मान। तार्किक फंक्शन लॉजिकल फंक्शंस। एंड तार्किक तथा। इफ यदि परिस्थिति की जांच करना। नॉट तार्किक नहीं और तार्किक अथवा। ट्रू तार्किक सत्य अथवा हां। फॉल्स तार्किक असत्य अथवा नहीं। इनमें से किसी भी फंक्शन के बारे में विस्तार से जानने के लिए एक्सेल की हेल्प सुविधा की सहायता लेनी चाहिए जिसके बारे में आगे बताया गया है। फंक्शनों में सहायता लेना टेकिंग हेल्प इन फंक्शंस। एमएस एक्सेल में फंक्शनों तथा अन्य सभी विषयों के बारे में कार्य करते समय ही ऑनलाइन सहायता लेने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए एक्सेल की सामान्य सहायता का उपयोग किया जाता है। फंक्शनों के बारे में सहायता सुविधा अलग से उपलब्ध है जो उपयोग करने में बहुत सरल है। किसी फंक्शन के बारे में सहायता लेने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। एक वर्कशीट में उस सेल को सक्रिय कीजिए जहां आप फंक्शन भरना या जोड़ना चाहते हैं। दो सेल में बराबर चिन्ह यानी इक्वल से प्रारंभ करके फंक्शन से पहले तक का फॉर्मूला कोष्ठक आरंभ यदि कोई हो कोष्ठक समाप्त टाइप कीजिए। तीन फॉर्मूला बार में इंसर्ट फंक्शन बटन जिस पर FX छपा रहता है क्लिक कीजिए या इंसर्ट मेन्यू का फंक्शन आदेश दीजिए। इससे आपको चित्र 20.9 क की तरह इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिया जाएगा। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 490 पर चित्र 20.9 क में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दर्शाया गया है जिसमें सर्च फॉर अ फंक्शन और सिलेक्ट अ फंक्शन भाग दर्शाए गए हैं। आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। चार इस डायलॉग बॉक्स में या तो आप अपने कार्य के अनुसार उचित फंक्शन खोज सकते हैं या किसी श्रेणी के फंक्शनों में से अपनी आवश्यकता का फंक्शन चुन सकते हैं। इसके कैटेगरी लिस्ट बॉक्स में ऊपर बताई गई सभी 9 श्रेणियों के अलावा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड तथा ऑल नाम की 2 नई श्रेणियां भी दी गई हैं। इनमें से ऑल में सभी श्रेणियों के सभी फंक्शन अकारादि यानी वर्णमाला क्रम में दिए जाते हैं और मोस्ट रिसेंटली यूज्ड में आपके द्वारा हाल ही में प्रयोग किए गए फंक्शनों के नाम दिए जाते हैं ताकि कोई फंक्शन बार बार न ढूंढना पड़े। 5 आप किसी भी श्रेणी की सूची में अपनी आवश्यकता का फंक्शन चुनिए। जब भी आप माउस पॉइंटर या सिलेक्शन बार को किसी फंक्शन पर लाते हैं उसका संक्षिप्त परिचय इस डायलॉग बॉक्स में नीचे के भाग में दिखाया जाता है। जिस फंक्शन को आप चुनना चाहते हैं या तो उसे क्लिक कीजिए या सिलेक्शन बार वहां लाकर एंटर दबाइए। ऐसा करते ही आपके द्वारा चुने हुए फंक्शन का फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चित्र 20.9 ख में SUM यानी सम फंक्शन का डायलॉग बॉक्स दिखाया गया है। इसमें आर्ग्यूमेंट भरने के लिए आवश्यक बॉक्स दिए जाते हैं। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 491 पर चित्र 20.9 ख में फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स दर्शाया गया है जिसमें सम फंक्शन का डायलॉग बॉक्स दिया गया है। आप इस फंक्शन के बारे में अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। 6 इस डायलॉग बॉक्स में आप निर्धारित बक्सों में कोई भी आर्ग्यूमेंट जैसे संख्या सेल पता या रेंज भर सकते हैं।
आप जो आर्ग्यूमेंट भरेंगे उनका परिणाम अर्थात योग इस डायलॉग बॉक्स में फॉर्मूला रिजल्ट बराबर के सामने दिखाएगा। आप सम फंक्शन के लिए 1 से 30 तक आर्ग्यूमेंट भर सकते हैं। प्रत्येक आर्ग्यूमेंट का मान भी संबंधित बॉक्स के आगे दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, तथ्य भरने के बाद फंक्शन का जो रूप बनेगा वो मुख्य डायलॉग बॉक्स में निर्धारित स्थान पर दिखाया जाता रहता है, जैसा कि चित्र 20.9 ख में दिखाया गया है। 7. सभी तथ्य भरकर ओके बटन क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही आपके द्वारा बनाया गया फंक्शन सक्रिय सेल में धसान बिंदु यानी इंसर्शन पॉइंट या कर्सर के स्थान पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। वैसे अनुभव हो जाने पर आप ये तथा ऐसे ही फंक्शन किसी सेल या फॉर्मूले में सीधे भी टाइप कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। उदाहरण 20.3। चित्र 20.9 ग में दिखाई गई वर्कशीट में कुछ विद्यार्थियों के 4 मासिक परीक्षाओं में गणित के प्राप्तांक दिए गए हैं। मान लीजिए कि आप प्रत्येक विद्यार्थी के योग और औसत की गणना करना चाहते हैं और प्रत्येक टेस्ट के अधिकतम अंकों का पता लगाना चाहते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं कीजिए। 1. सेल F3 में फॉर्मूला बराबर सम कोष्ठक आरंभ B3 कोलन E3 कोष्ठक समाप्त भरिए। इससे अनित के 4 टेस्टों के अंकों के योग की गणना करके उस सेल में दिखाया जाएगा। 2. सेल F3 के फॉर्मूले को रेंज F4 कोलन F9 में नकल कीजिए। इससे वही फॉर्मूला उस रेंज में बदले हुए सापेक्ष संदर्भों के साथ नकल हो जाएगा और उनका परिणाम संबंधित सेल में दिखाई देगा। 3. सेल G3 में फॉर्मूला बराबर एवरेज कोष्ठक आरंभ B3 कोलन E3 कोष्ठक समाप्त भरिए। इससे अनित के 4 टेस्टों के अंकों के औसत की गणना करके उस सेल में दिखाया जाएगा। 4. सेल G3 के फॉर्मूले को रेंज G4 कोलन G9 में नकल कीजिए। इससे वही फॉर्मूला उस रेंज में बदले हुए सापेक्ष संदर्भों के साथ नकल हो जाएगा और उनका परिणाम संबंधित सेल में दिखाई देगा। 5. टेस्ट 1 के उच्चतम अंक ज्ञात करने के लिए सेल B10 में फॉर्मूला बराबर मैक्स MAX मैक्स कोष्ठक आरंभ B3 कोलन B9 कोष्ठक समाप्त भरिए। इससे टेस्ट 1 में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक ज्ञात करके उस सेल में दिखाया जाएगा। 6. सेल B10 के फॉर्मूले को रेंज C10 कोलन G10 में नकल कीजिए। इससे वही फॉर्मूला उस रेंज में बदले हुए सापेक्ष संदर्भों के साथ नकल हो जाएगा और उनका परिणाम संबंधित सेल में दिखाई देगा। इस समय आपकी वर्कशीट चित्र 20.9 ग की तरह दिखाई देगी। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 492 पर चित्र 20.9 ग में 4 टेस्टों के प्राप्तांकों का डाटा दिया गया है। इस सारणी में कुल 7 विद्यार्थी हैं, जिसमें अनित ने पहले टेस्ट में 12, दूसरे टेस्ट में 15, तीसरे टेस्ट में 14, चौथे टेस्ट में 12 और कुल 53 अंक और औसत 13.3। सारिका ने पहले टेस्ट में 17, दूसरे टेस्ट में 14, तीसरे टेस्ट में 12, चौथे टेस्ट में 15, कुल 58 और एवरेज 14.5। राधा ने पहले टेस्ट में 14, दूसरे टेस्ट में 12, तीसरे टेस्ट में 16, चौथे टेस्ट में 13 और कुल 55 और औसत 13.8। सचिन ने पहले टेस्ट में 9, दूसरे टेस्ट में 13, तीसरे टेस्ट में 11, चौथे टेस्ट में 12, कुल 45 और औसत 11.3। मनीष ने पहले टेस्ट में 15, दूसरे टेस्ट में 10, तीसरे टेस्ट में 14, चौथे टेस्ट में 14, कुल 53, औसत 13.3। साक्षी ने पहले टेस्ट में 16, दूसरे टेस्ट में 11, तीसरे टेस्ट में 13, चौथे टेस्ट में 15, कुल 55 और औसत 13.8। मनु ने पहले टेस्ट में 12, दूसरे टेस्ट में 12, तीसरे टेस्ट में 14,
चौथे टेस्ट में 13, कुल 51, कुल 51, औसत 12.8। उच्चतम अंक पहले टेस्ट में 17, दूसरे टेस्ट में 15, तीसरे टेस्ट में उच्चतम अंक 16 हैं, चौथे टेस्ट में उच्चतम अंक 15 है, कुल 58 और औसत 14.5। सारणी समाप्त। आप इस सारणी के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। 20.10 वर्कशीट में सारणियां, टेबल्स इन वर्कशीट। आप जानते हैं कि कोई सारणी पंक्तियों और कॉलमों से बनी होती है। वर्कशीट भी पंक्तियों और कॉलमों में पहले से ही विभाजित होती है, इसलिए आप कोई भी सारणी एक्सेल की वर्कशीट में सरलता से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये तय कीजिए कि उस सारणी में कितने और कौन कौन से कॉलम होंगे। अब उन कॉलमों के शीर्षक टाइप कर लीजिए, जैसा कि चित्र 20.10 क में दिखाया गया है। यहाँ सारणी को कॉलम ए से प्रारंभ किया गया है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। आप वर्कशीट के किसी भी भाग में कहीं भी सारणी बना सकते हैं। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 492 पर चित्र 20.10 क में वर्कशीट में एक सारणी को दर्शाया गया है। इस सारणी में कुल 5 कॉलम हैं ए बी सी डी ई। पहले कॉलम में नाम, दूसरे कॉलम में एड्रेस यानी पता, तीसरे कॉलम में सिटी यानी शहर, चौथे कॉलम यानी डी में पिन कोड और पांचवें कॉलम यानी ई में फोन नंबर्स लिखे गए हैं। यहां कुल 9 नाम लिखे गए हैं और उनके पते, साथ में शहर, आगरा और पिन कोड और विभिन्न फोन नंबर्स भी दिए गए हैं। इस सारणी को किस प्रकार बनाया जाए, इसके बारे में आप अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। सभी कॉलम बनाने के बाद आप उनकी पंक्तियों में डाटा भरना प्रारंभ कर सकते हैं। आप या तो सारा डाटा किसी साधारण डाटा की तरह टाइप कर सकते हैं, या उसमें डाटा भरने के लिए डाटा प्रविष्टि फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। एमएस एक्सेल किसी सारणी के लिए स्वतः ही डाटा प्रविष्टि फॉर्म तैयार कर देता है। इसके लिए उस सारणी के किसी सेल को सक्रिय कीजिए और डाटा मेन्यू में फॉर्म आदेश दीजिए। इससे आपको चित्र 20.10 ख की तरह एक डाटा प्रविष्टि फॉर्म दिया जाएगा। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 493 पर चित्र 20.10 ख में एक डाटा प्रविष्टि फॉर्म दिया गया है, जिसमें नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर आदि के बारे में खाली स्थान दिए गए हैं। चित्र 20.10 क के अनुसार अलोक कुमार गोयल का विवरण इस प्रविष्टि फॉर्म में भरा गया है। आप इस प्रविष्टि फॉर्म के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। इस डाटा प्रविष्टि फॉर्म में एक बार में एक रिकॉर्ड के सभी फील्ड दिखाए जाते हैं। आप ऊपर और नीचे के तीर बटनों को दबाकर अन्य रिकॉर्डों को देख सकते हैं। अंतिम रिकॉर्ड दिखाई देने पर यदि आप नीचे के तीर के बटन को दबाते हैं तो एक खाली रिकॉर्ड आ जाता है, जिसमें आप डाटा भर सकते हैं। हालांकि सभी फील्डों को भरना आवश्यक नहीं है, आप किसी फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं। हर नया रिकॉर्ड सारणी के अंतिम रिकॉर्ड के बाद जोड़ दिया जाता है और वो सारणी का भाग बन जाता है। सारणी को छांटना, सॉर्टिंग द टेबल। किसी सारणी में भरे गए रिकॉर्डों को आप किसी फील्ड या फील्डों के अनुसार किसी भी क्रम में छांट सकते हैं। इसके लिए पहले उस सारणी के किसी सेल में माउस पॉइंटर लगाइए, फिर डाटा मेन्यू में सॉर्ट आदेश दीजिए। इससे आपकी स्क्रीन पर चित्र 20.10 ग की तरह सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 493 पर चित्र 20.10 ग में सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स दर्शाया गया है, जिसमें सॉर्ट बाय, देन बाय, देन बाय, माय लिस्ट हैज आदि भाग दिखाए गए हैं। आप इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। इस डायलॉग बॉक्स में आप अधिकतम 3 सॉर्ट कुंजियां बता सकते हैं। सॉर्ट कुंजी बताने के लिए सॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स को खोलकर उसमें से उचित सॉर्ट फील्ड चुनिए। उसके सामने दिए गए 2 रेडियो बटनों में से किसी एक को भी सेट कीजिए, जो कि डाटा को उस फील्ड के क्रमशः बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में छांटने के लिए है। इसी प्रकार आप अधिकतम 3 सॉर्ट फील्ड सेट कीजिए। अपने विकल्प सेट करने के बाद ओके बटन को क्लिक कीजिए। इससे डाटा उसी क्रम में छांट दिया जाएगा।
यहां हम अपनी सारणी को सिटी और नेम के बढ़ते हुए क्रम में छांट रहे हैं। इसका परिणाम चित्र 20.10 घ में दिखाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 493 पर ही चित्र 20.10 घ में छांटने के बाद सारणी को दर्शाया गया है, जिसमें ए बी सी डी ई कॉलम बने हैं। ए में नेम, बी में एड्रेस, सी में सिटी, डी में पिन कोड और ई में फोन नंबर्स दिए गए हैं। आप इस सारणी के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। सारणियों पर इसके अलावा और भी कई क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे डाटा को छांटना यानी फिल्टरिंग, योग तथा अनुयोग निकालना, डाटा का वैलिडेशन आदि करना, सीमा रेखाएं खींचना, ड्रॉइंग बॉर्डर्स, वर्कशीट के किसी भाग को उभारने, दूसरे भागों से अलग दिखाने, योगों यानी टोटल्स तथा अनुयोगों यानी सब टोटल को विशेष तौर पर दिखाने या केवल वर्कशीट में बनाई गई किसी टेबल की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप सेलों के ऊपर नीचे दाएं बाएं सीमा रेखाएं भी खींच सकते हैं। इस कार्य के लिए हम फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध बटनों का प्रयोग करते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। एक, उस सेल या रेंज को चुन लीजिए जिसकी सीमा रेखा आप खींचना चाहते हैं। दो, फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉर्डर्स बटन के तीर को क्लिक कीजिए। इससे आपकी स्क्रीन पर चित्र 20.10 ड की तरह सीमा रेखाओं की पट्टी यानी बॉर्डर्स पैलेट खुल जाएगी। इसमें सभी उपलब्ध बटन दिए गए होते हैं। तीन, सीमा रेखा पट्टी में अपनी इच्छित सीमा रेखा स्टाइल के बटन को क्लिक कीजिए। आप चाहें तो चुने हुए सेलों पर एक से अधिक बॉर्डर स्टाइलों को भी लागू कर सकते हैं, जिससे उन सेलों पर दोनों स्टाइलों का सम्मिलित प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 494 पर चित्र 20.10 ड में बॉर्डर पैलेट को दर्शाया गया है। इस बॉर्डर पैलेट में विभिन्न रेखाओं को दर्शाया गया है। आप इन रेखाओं के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। 20.11 चार्ट बनाना, ड्रॉइंग चार्ट्स। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट में भरे हुए डाटा के आधार पर अनेक प्रकार के दो या तीन आयामी चार्ट सरलता से बनाए जा सकते हैं। आप इसके चार्ट टूल बार द्वारा अपनी इच्छा से कैसा भी चार्ट बना सकते हैं या फिर एक्सेल के चार्ट विजार्ड प्रोग्राम द्वारा चुटकियों में चार्ट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बार चार्ट बन जाने के बाद आप उसे छपवा सकते हैं, छिपा सकते हैं, सुधार सकते हैं और एक्सेल से बाहर के प्रोग्रामों जैसे एमएस वर्ड या पावर पॉइंट में भी ले जा सकते हैं। एक्सेल के चार्टों में ये विशेषता भी है कि जब भी आप उस डाटा में कोई परिवर्तन करते हैं जिस पर चार्ट आधारित है, तो संबंधित चार्ट में वो परिवर्तन तत्काल कर दिया जाता है या ऐसा करने के लिए पूछा जाता है। चार्ट के तत्व, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। जिस डाटा के आधार पर कोई चार्ट बनाया जाता है उसके अलावा चार्ट में कई तत्व होते हैं। इन तत्वों को चित्र 20.11 क के कॉलम चार्ट में दिखाया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 494 पर चित्र 20.11 क में एक कॉलम चार्ट और उसके तत्वों को दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है। संकेत, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, चार्ट शीर्षक, ग्रिड लाइनें, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया आदि। इन सभी का विवरण आगे बताया गया है। और अब आगे का अध्याय। शीर्षक, टाइटल। ये चार्ट और उसके दोनों अक्षों एक्स और वाई के शीर्षक होते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि चार्ट क्या दिखाना चाहता है और उसके अक्षों के मानों का क्या अर्थ है। उदाहरण के लिए चित्र 20.11 क के चार्ट में चार्ट का शीर्षक सपना सेल्स एजेंसी पंचकुला, एक्स अक्ष का शीर्षक फाइनेंशियल ईयर और वाई अक्ष का शीर्षक रुपीज इन लैक्स है। अक्ष, एक्सिस। सामान्यतया किसी चार्ट में दो अक्ष होते हैं जिन्हें क्रमशः एक्स और वाई कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक अक्ष एक पैरामीटर को व्यक्त करता है जिसके मान उस अक्ष पर रेखाओं या बिंदुओं द्वारा दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 20.11 क के चार्ट में एक्स अक्ष विभिन्न वित्तीय वर्षों को दिखाता है और वाई अक्ष उन वर्षों में राशि को लाख रुपयों में दिखाता है। डाटा श्रेणियां, डाटा सीरीज।
डाटा श्रेणियां उन मानों की सूची हैं जिनको हम चार्ट में दिखाना चाहते हैं। यहां खरीद यानी परचेजेस और बिक्री यानी सेल्स दो डाटा श्रेणियां हैं जो भिन्न भिन्न रंगों के कॉलमों द्वारा दिखाई गई हैं। ग्रिड लाइनें, ग्रिड लाइंस, ये कुछ बैकग्राउंड लाइनें होती हैं। इनसे हमें प्रत्येक डाटा श्रेणी के मानों का स्तर पता चलता है। ग्रिड लाइनें दो प्रकार की होती हैं, मुख्य यानी मेजर और गौण यानी माइनर। मुख्य ग्रिड लाइनें मुख्य स्तरों को दिखाती हैं, जबकि गौण ग्रिड लाइनें छोटे स्तरों को दिखाती हैं। एक्स अक्ष की ग्रिड लाइनें ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होती हैं, जबकि वाई अक्ष की ग्रिड लाइनें क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं। चित्र 20.11 क के चार्ट में केवल वाई अक्ष की मुख्य ग्रिड लाइनें दिखाई गई हैं। संकेत, लेजेंड्स, ये हमें चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कॉलमों, रेखाओं, बिंदुओं और रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतया प्रत्येक डाटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए चित्र 20.11 क के चार्ट में संकेत हमें बताते हैं कि कॉलमों के प्रत्येक जोड़े में पहला कॉलम खरीद यानी परचेजेस को और दूसरा बिक्री यानी सेल्स को व्यक्त करता है। संकेतों को दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे या किसी कोने में कहीं भी दिखाया जा सकता है। यहां संकेत नीचे दिखाए गए हैं। डाटा लेबल, ये किसी डाटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं जो चार्ट में उस मान को व्यक्त करने वाले कॉलम, रेखा या चिन्ह से पास ही दिखाए जाते हैं। ऊपर के चार्ट में डाटा लेबल नहीं दिखाए गए हैं। डाटा सारणी, डाटा टेबल, ये एक साधारण सारणी होती है जिसमें सभी डाटा श्रेणियों के सभी मान दिखाए जाते हैं। ये सारणी चार्ट में किसी कोने पर दिखाई जा सकती है। ऊपर के चार्ट में डाटा सारणी नहीं दिखाई गई है। एक्सेल में कोई चार्ट तैयार करते समय हम इन सभी तत्वों के बारे में अपनी मनचाही सेटिंग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ अधिक प्रचलित प्रकार के चार्टों के बारे में नीचे बताया गया है। कॉलम चार्ट, ऐसा चार्ट चित्र 20.11 क में दिया गया है। इसमें किसी मान को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी वर्टिकल कॉलम्स के रूप में दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों को एक्स अक्ष पर और उनके मानों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। बार चार्ट, बार चार्ट भी कॉलम चार्ट जैसा ही होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों के मानों को क्षैतिज बारों यानी हॉरिजॉन्टल बार द्वारा दिखाया जाता है। चित्र 20.11 ख में एक बार चार्ट दिया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 496 पर चित्र 20.11 ख में एक बार चार्ट दर्शाया गया है। आप इस बार चार्ट के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में विभिन्न डाटा श्रेणियों के मानों को विभिन्न बिंदुओं द्वारा दिखाया जाता है जिन्हें सरल रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। इस अंतर के अलावा लाइन चार्ट कॉलम चार्टों की तरह ही होते हैं। चित्र 20.11 ग में एक लाइन चार्ट दिखाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 496 पर चित्र 20.11 ग में एक लाइन चार्ट को दर्शाया गया है जिसमें विभिन्न बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से जोड़ा गया है। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें विभिन्न मानों को उन लाइनों के नीचे के क्षेत्र द्वारा दिखाया जाता है। चित्र 20.11 घ में एक एरिया चार्ट दर्शाया गया है। इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 496 पर ही चित्र 20.11 घ में एरिया चार्ट को दर्शाया गया है जिसमें विभिन्न मानों को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया गया है। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय, पाई चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दिखाया जाता है। इसमें विभिन्न मानों को एक वृत्त के विभिन्न भागों या सेक्टरों यानी सेक्टर्स द्वारा दिखाया जाता है। प्रत्येक भाग का आकार उसके मान के अनुपात में होता है। उस मान को भी उस भाग के पास ही प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 20.11 ड में एक पाई चार्ट दिखाया गया है। इसमें विभिन्न वित्तीय वर्षों में की गई खरीद यानी परचेजेस को एक वृत्त के विभिन्न भागों द्वारा दिखाया गया है।
इसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 496 पर ही चित्र 20.11 ड में पाई चार्ट को दर्शाया गया है। आप इस चित्र के बारे में और अधिक जानकारी अपने विषय अध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे का अध्याय। चार्ट और भी अनेक प्रकार के और त्रिआयामी भी हो सकते हैं। उनके विभिन्न तत्वों में कुछ अंतर होता है। कई चार्ट मिश्रित प्रकार के भी हो सकते हैं। और अब अध्याय 20 एमएस एक्सेल का शेष भाग कृपया अगली फाइल 20 डी में सुने।